जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर दान फालिक ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख्वाजा सीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं अपने तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। ख्वाजा सीद यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ पंजाब एंड सिक्योर द फिफ्थ पोजिशन इन ग्रीन मेडिसिन पंजाब एंड नाइन्थ पोजिशन ऑल ओवर इन पाकिस्तान। ख्वाजा सीद यूनिवर्सिटी is indeed a blessing for this region, not only the region of South Punjab and also for the other provinces of Pakistan and also for the local community. First time we participated in the Times Higher Education and got the impacted ranking, and we are at the number of 200 and 300 worldwide, and in Pakistan globally we are at the 13th position, in Punjab we are at the 9th position. आज की जो हमारी टॉक है उसके जो गेस्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, जो कि लीडिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और जिनका मोर देन 4 डेकेड का एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं वो इनकी सुपरविजन में अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज में डिफरेंट फॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। आप मेंटोर हैं रॉयल कॉलेज ऑफ ग्लासगो एंड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन एडवांस एंड ट्रोमा लाइफ स्पोर्ट, और उसके अलावा आप मोटिवेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स हैं विद मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब टू वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर। सर प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब आई वेलकम यू एट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली वी फील प्लेजर एंड ऑनर दैट यू आर विद अस। Actually, I'm your listener. I follow your different lectures. As I discussed, कि मुझे वो अच्छा लगता है आपका लफ्ज जिसमें कहते हैं मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। तो सर ऐसे बहुत से फैकल्टी मेंबर एडमिन में लोग हैं जो बात बर्दाश्त नहीं करते, तो मेरी आज गुजारिश होगी कि बहुत से लिसनर बैठे हुए हैं, हमें आपने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ऑडिटोरियम में हमने बड़ी स्क्रीन के साथ अरेंज किया है, मैं चाहूंगा कि हम आपको मैक्सिमम सुने और स्पेशली फैकल्टी मेंबर्स ये ड्राइविंग इंजन की तरह है जो इस सोसाइटी रिफॉर्म और इवॉल्व कर सकते हैं। तो हमें टीचर्स पे फोकस करना है, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है आज हेल्दी फूड का, तो मैं चाहूंगा कि उसके साथ साथ जो मेरे टीचर हैं जो एडमिन के लोग हैं, हमें वो नबियों वाले प्रोफेशन में हैं तो हमें उसी तरह यकसुई से काम करना है। अगर हम टीचर उसी तरह से काम करेंगे तो यूरोपियन से हम आगे निकल सकते हैं, अदरवाइज हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो डिग्रेडेशन है, जो जो एथिकल वैल्यूज और टीचर्स, मैं चाहूंगा कि आप आज का लेक्चर मेरे लिए ये बिल्कुल इग्निशन का काम देना चाहिए। हम पंजाब में और पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन में वी आर वेरी गुड, बट आपके लेक्चर के बाद ये मैं समझूंगा कि एक पीक आएगी। तो सर मैं आपको सुनना चाहूंगा फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द होल यूनिवर्सिटी, फ्रॉम रहीम यार खान। सर हम दिल से हम आपको वेलकम कहते हैं। सर डॉक्टर जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान साहब का, बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे तो ये कहा गया था कि न्यूट्रिशन के ऊपर बात की जाए, हेल्दी डाइट के ऊपर, और मुझे बाद में पता लगा डॉक्टर अदनान साहब की तो पीएचडी न्यूट्रिशन इसी के ऊपर है और कैमल मिल्क के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो आई एम श्योर कि ये मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, मुझसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं कि न्यूट्रिशन के ऊपर बात करें। और दूसरा, जैसे आपने ये फरमाया कि मेरे टीचर से भी बात की जाए, तो मैं एक वाक्य हमेशा सुनाता हूँ जब भी टीचर से बात होती है। अगर आप मेरे वीडियोज वगैरह देखें तो उसमें मुतद्दद बार आपने ये बात सुनी होगी कि एक सेंट्रल स्टेट्स का एक छोटा सा मुल्क है दागिस्तान, और वो भी जब रशियन स्टेट्स आजाद हुई थी तो उसके साथ ही आजाद हुआ था, मगर जब वो रशिया इकट्ठा होता था तो उसके एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम गफूरोफ था, जिनको अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है और एक फिलोसोफर समझा जाता है। और उनकी एक अभी हाल एक उर्दू में इस किताब में ये मेरा दागिस्तान के नाम से पाकिस्तान में भी अभी अवेलेबल हुई है, बड़ी मजेदार किताब है। तो जब वो लोग जब रशिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे तो लोग उनके पास आते थे और आके मुआशरे की शिकायतें करते थे, तो कुछ लोग आके कहने लगे कि जी मजदूर काम नहीं करते जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के अंदर यूनियनें बनी हुई हैं और बड़ा मसला है, तो कुछ तो मुल्क तबाह हो रहा है इसकी वजह से, इकोनॉमी तबाह। तो वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मुल्क तबाह नहीं होता, मजदूर करते ही होते हैं ऐसे। कुछ अरसे बाद लोगों ने किसी और तबके की शिकायत की कि ये जो मिल मालकान हैं ये मजदूरों के हकूक खा जाते हैं और ये सरमायादार जो हैं वो मुआशरे के अंदर बहुत फसाद मचा रहे हैं।
उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, सरमायादार तो ऐसा करते ही। तो जिस भी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जिसके बारे में भी कहते थे तो वो कहते थे मुल्क को कुछ नहीं होता, मुल्क को कुछ नहीं होता। तो कुछ लोगों ने तंग आके कहा कि यार आप इतने ऑप्टिमिस्टिक इतने पॉजिटिव हैं कि आप हर बात पे कहते हैं मुल्क को कुछ नहीं होता, तो मुल्क को आखिर कुछ कब होगा? तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त इस मुल्क का उस्ताद करप्ट हो गया उस वक्त मैं ये कहूंगा कि अब ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ना इंडस्ट्री के तबाह होने से तबाह होगा, ना ज़रात के तबाह होने से तबाह होगा, लेकिन अगर उस्ताद करप्ट हो गया तो फिर ये माशरा तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मैं और आप जिनका ताल्लुक जो है वो टीचिंग के प्रोफेशन से है, तो ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। इन वर्कशॉप में पूछे जाए ना व्हाट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी टीचर, व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर इन अ मेडिकल कॉलेज, तो हमारे जहन में होता है मेरे जुम्मे ये है कि मैंने अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाना है, मेरे जुम्मे ये है मैंने पोस्ट ग्रेजुएट को रिसर्च करवानी है, मैंने ये। मैं उनसे ये अर्ज करता हूं कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन तो सिर्फ तनख्वाह की हद तक है, बाकी तो हमारे जुम्मे वही काम है जो कि पेरेंट्स के काम होता के जुम्मे काम होता है, यानी हमने आने वाली नस्लों में इन्वेस्ट करना है। हमारे जुम्मे पूरी आने वाली नस्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में एक्टिवली अंडर ग्रेजुएट्स को पढ़ाता था तो मैं ये सोचता था कि इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करनी है कि जब मुझे हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो इनमें से कोई एक इतना कॉम्पिटेंट हो कि मैं उससे अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा सकूं। इसी तरीके से अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें कि फर्ज करें मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो तो इनमें से कोई कमिश्नर लगा हुआ हो, इनमें से कोई जो है वो यूनिवर्सिटी का वीसी हो, इनमें से कोई है जो रेलवे का हेड हो, इसमें से कोई हो जो बहुत बड़ा ईमानदार दुकानदार हो जहां से मैं सौदा लेता हूं। यानी माशरे के किसी भी तबके में जो भी इंसान है उसकी जो मॉरल ट्रेनिंग और टीचिंग है, यानी जो उसकी करेक्टर डेवलपमेंट है, वो उस्ताद की यानी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं बहुत दस्तबदस्ता आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें जरूर अपने सीने में झांक के ना अपनी इस पैराडाइम को रिवाइज करना चाहिए। जिस पर्पस के तहत हमने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है ये हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ और नहीं बन सका चलो ये बन गया, या चलो मुझे मैं इसमें ठीक एक्सेल कर रहा था मैं बन गया। मेरे ख्याल के अंदर मेरे और आप के जिम्मे हमारी आने वाली नस्लों की बका है। अगर हमारे कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी आने वाली नस्लें किस किस्म की होंगी। तो बस मैं मुख्तसर, प्रोफेसर सलवान साहब ने जो मुझे हुक्म दिया तो मुख्तसर मैं यही मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। उसके बाद अगर कभी ये थोड़ा सा कोविड ठीक हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में हाजिर हूं, और जो फैकल्टी डेवलपमेंट की अगर मुझे मेरे जुम्मे कुछ आप लगाएंगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह अज़ीज़ दोस्तों के साथ रब्ता करूंगा। तो मैं बाकी अपने टॉपिक की तरफ, मैं मुख्तसर बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, मैं मुख्तसर साहब के साथ ये सिर्फ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए इंसान जो है वो अहसन तकवीम जो अल्लाह ताला की सनाई है बनाने की कुदरत उसका शाहकार है। अच्छा इंसान तो खैर अशरफुल मखलूकात है ही, अगर आप एक चींटी को देखें और उसको अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी तरीके से मैग्नीफाई करके देखें, उसकी मैकेनिक्स इतनी ब्रिलियंट है कि शायद कोई भी बड़े से बड़ा इंजीनियर उस तरह की हिंजेस ना बना सके, उस तरह की बाजू ना बना सके, उस तरह की मल्टी डायमेंशनल जो उसकी एक्टिविटी है उसको ना कर सके। और इसी तरीके से जो इंसान का नर्वस सिस्टम है और इंसान का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, गुर्दा जो काम करता है इतना सा गुर्दा जो है उसके इक्वलेंट एग्जैक्टली उसी तरह का काम करना अगर किसी फैक्ट्री में बनाया जाए तो शायद एक एकड़ में वो प्लांट लगे जो कि गुर्दे के अंदर काम हो रहा है। अब आप देखिए कि एक मिलियन कितना होता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 to 20 billion न्यूरॉन्स हैं और उनके कनेक्शंस किस तरह माइक्रोचिप्स कैसे, यानी एक जो माइक्रोचिप के ऊपर कनेक्शन होते हैं उससे भी बारीक कनेक्शंस में किस तरीके से करंट दौड़ रहा है, किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से मेमोरी हमारी ऑर्गेनाइज होती है, किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी ये तमाम चीजें हमारे ब्रेन में कैसे स्टोर होती हैं, इसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है, बयान करना तो बहुत है। अच्छा अब ये जो पूरी हमारी मशीन है जिसके अंदर हमारी सारी मैकेनिक्स हैं और हमारी इंटेलेक्ट है और हमारी इमोशनैलिटी है और हमारा इंसानपना है, जिसका मतलब ये कि हमारी एक स्पिरिचुअलिटी है, हमारी एक फिलॉसफी है, इस मशीन को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए उनमें से सबसे पैरामाउंट वही है जो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए चाहिए होता है। अगर एक मोटरसाइकिल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस मौजूद हैं, अगर उसका फ्यूल प्रॉपर नहीं होगा तो वो मोटरसाइकिल सही तरीके से नहीं चलेगा, और अगर उसमें गंदा फ्यूल डाल देंगे तो वो फक फक करके इंजन बंद करना शुरू कर देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इंसान की जो बका है, जो उसकी एक फिजिकल डायमेंशन है, एक उसकी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, एक इमोशनल डायमेंशन है, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, इन सब डायमेंशन को बाकी रखने के लिए जो मेन चीज चाहिए
जिससे ये बका रहती वो हमारी फूड है। जो कुछ लोगों ने कहा है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में कि वी आर व्हाट वी ईट, गो इसको बहुत दफा कुछ लोगों ने कहा है वी आर व्हाट वी थिंक, किसी ने कहा वी आर व्हाट वी ड्रीम, लेकिन अगर हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वी आर व्हाट वी ईट। ये जो कुछ मेरे इस वक्त हाथ आपको नजर आ रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हो सकता है कुछ देर पहले किसी गाजर के अंदर मौजूद है। और इंसान के अंदर इतनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस मौजूद है, इतनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस मौजूद है कि एक एक खीरा पड़ा हुआ है मेज के ऊपर, वो खीरा मेरे अंदर जाएगा और बॉडी की इंटेलिजेंस जो है वो उसको चार घंटे के बाद जावेद इकबाल में कन्वर्ट कर देगी। ये जावेद इकबाल है ना सर, ये जावेद इकबाल है, ये जावेद इकबाल है, ये जावेद इकबाल है, राइट, जो ये जिगर लिवर है यहाँ, ये जावेद इकबाल है। ये जावेद इकबाल छह घंटे पहले किसी मुर्गी के अंदर था और किसी खीरे के अंदर था और ये पानी की बॉटल के अंदर था। तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस है कि यानी ये खीरे को जो है वो जावेद इकबाल में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर इसको हम फ्यूल प्रॉपर नहीं देंगे और इनएडिक्वेट फ्यूल देंगे तो ये फिर इसकी मैकेनिज्म खराब हो जाएगी। अच्छा, हम लेकिन गलत फ्यूल इसको बॉडी को देते रहते हैं तो हम कहते हैं हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी। वो इसलिए कुछ नहीं हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी के अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उस अडेप्टेबिलिटी की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हम अपने जिगर को कितना नुकसान दे रहे हैं। जैसे आपको पता है कि किडनी की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल 125 होती है, मिनिमम, टेक्निकल उसमें नहीं जाता, आप फिगर को याद रखिए 125। अगर ये 60 हो जाए तब तक कोई सिम्टम नहीं होता, और 60 से लेकर 13 तक सिम्टम होते हैं मगर ऑर्गन फेल नहीं होता, ऑर्गन फेल नहीं होता अगर 60 से हो, 13 के नीचे हो तो हम उसको एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर कहते हैं, तब उसको हम एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर कहते हैं। अभी बात समझ गए ना? तो इसलिए हमारी बॉडी में चूंकि एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है इसलिए हम गंदबला खाते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम गंदबला खा रहे हैं, और वो बॉडी आहिस्ता 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 अपने रिजर्व्स को करती है। और जब एकदम एक क्रिटिकल लेवल पर आती है तो सडनली पता लगता है कि गुर्दे फेल हो गए, सडनली पता लगता है कि हार्ट फेलियर हो गया, सडनली पता लगता है कि स्ट्रोक हो गया, इसको फालिज कहते हैं। तो ये तो लिहाजा मैं इस मुख्तसर से टाइम के अंदर आपको एक जनरल सी आउटलाइन दूंगा, और ये बात करते हुए मुझे पक्का यकीन है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपको पहले ही पता है, लेकिन जस्ट मैं एक उसको एक सिंपल से फ्रेमवर्क में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, हमारी बॉडी में जो जाता है ना उसमें से 7 चीजें ऐसी हैं जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एज अ फूड। इसके अलावा जो कुछ भी जाता है बॉडी इसको एज अ फूड रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको एक फॉरेनर के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। उसमें एक चीज है कार्बोहाइड्रेट, यानी सारी नशास्तेदार गजाएं जिससे आटा बन सकता है, आटा है, चावल है, मैदा है, ये जितनी नशास्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जितनी शुगर फॉर्म की चीजें हैं, यानी सिंथेटिक शुगर की बात नहीं कर रहा, जो कि नेचुरल फॉर्म के अंदर शुगर मौजूद है, फलों के अंदर मौजूद है, फ्रुक्टोज की फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, या कोई भी जो जो स्टार्च से रिलेटेड चीजें हैं। स्टार्च सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है और वो जो ब्रेक होकर मुख्तलिफ किस्म की शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज से लेकर स्टार्च तक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो एक तो इस तरह की कोई चीज मुंह के अंदर जाती है तो हम बॉडी उसको कहती है कि ये है फूड। नंबर दो प्रोटीन, जिसको लाहमियात कहते हैं, जो गोश्त में ज्यादा होता है, अंडे में भी होता है, दूध में भी होता है, दूध में जो प्रोटीन होती है उसे कैसिनोजिन कहते हैं, और इसी तरीके से वो दालों में भी होता है, दूध में भी होता है, इन चीजों के अंदर प्रोटीन होता है और गोश्त के अंदर होता है। अच्छा, दूसरा ये प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन अंदर जाएगी तो बॉडी उसको कहेगा कि वेलकम, खुराक आ गई। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो फैट्स हैं, और वो जो फैट्स हैं उनकी दो है नेचर्स। ज्यादा जो फेवरेबल फैट है हमारी बॉडी के लिए वो तो है प्लांट ओरिजिन फैट, यानी कि जो पौधों से तेल तेल की फॉर्म के अंदर निकलती है, और दूसरी जो है वो जो एनिमल से हम हासिल करते हैं वो दूसरे नंबर के ऊपर है, पहले नंबर पर प्लांट है। तो ये तीन हो गया, ये तो तीन वो चीजें हैं जिनसे बॉडी एनर्जी हासिल करती है या अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी भी हासिल कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा भी है, प्रोटीन से यानी एनर्जी भी हासिल कर सकती है और प्रोटीन बॉडी के अपने स्ट्रक्चर का भी हिस्सा भी है, और यही फैट के बारे में भी है। इससे एनर्जी भी हासिल हो सकती है और ये बॉडी की अपनी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है, मुख्तलिफ हॉर्मोन्स का हिस्सा है और मुख्तलिफ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका ये हिस्सा है। ये तीन चीजें हो गई। इसके अलावा तीन चीजें और हैं, एक है विटामिंस, जो खुद तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते मगर उनकी अदम मौजूदगी के अंदर इस फूड को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तीसरा है मिनरल्स, जैसे आयरन है,
जैसे क्रोमियम है, जैसे जिंक है, जैसे मैगनीज है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे कैल्शियम है, ये वो मिनरल्स हैं जो कि मादनियात, जो कि बहुत कलील मिकदार में बॉडी को चाहिए, और इनकी मौजूद अदम मौजूदगी में भी ना वाइटामिन सही तरीके से काम कर सकते हैं, ना एनर्जी का साइकिल जो है वो सही तरीके से चल सकता है, और जिससे हमारी डेवलपमेंट, हमारा एजिंग प्रोसेस और हमारी जो डीजनरेशन को प्रिवेंट करना है और जो मेंटेनेंस ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के लिए चाहिए। ये होगी पांच चीजें। और छठी चीज है पानी, वाटर, और वाटर वो मीडियम है जिसके अंदर ये सारी कंडक्शन हो जाती है। ये छह चीजों में से कोई भी चीज आएगी, जैसे मैंने अब ये पानी जो है ग्लास में डाला और ये करके बिस्मिल्लाह रहमान करके इसको मैंने पिया, जो ही ये बॉडी के अंदर गया तो बॉडी को इसको संभालने की मैकेनिज्म मौजूद है। अब इसी तरह कार्बोहाइड्रेट गया तो वेलकम बॉडी, यानी आप समझें ड्राइंग रूम है बॉडी जिसमें सोफे पड़े हुए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेहमान है उसको बिठाने का सोफा भी मौजूद है, और जो प्रोटीन को बिठाने का सोफा भी मौजूद है, पानी के लिए भी स्टूल पड़ा हुआ है उस आपके कमरे के अंदर, ये चीजें, और वो बिस्मिल्लाह करके आप उसको बिठा लेंगे और कहेंगे आइए फरमाइए क्या करना है। इनके अलावा अगर कोई भी चीज हमारे मुंह में जाएगी तो वो फॉरन, वो बिल्कुल गैर, वो एक फॉरन चीज है, वो एलियन है, उसको बिठाने के लिए ड्राइंग रूम में कोई सोफा नहीं है। ठीक है ना, आपके अब्बू आए आप उसकी जगह मौजूद है, आपकी अम्मी मिलने आई है जगह मौजूद है, छोटा भाई आया उसको बिठाने की जगह, गहरा दोस्त आया है बिठाने की जगह मौजूद है, अगर एक अजनबी आ गया एकदम तो उसको बिठाने की तो कोई जगह मौजूद नहीं है। तो बॉडी में जब फर्ज करें आपने कोई प्लांट की बनी हुई चीज, यानी प्लांट का मतलब एक प्लांट होता है ना, प्लांट से बनी हुई, एक होती है प्लांट में बनी हुई, यानी प्लांट में बनी हुई चीज अगर आपने मुंह में डाली है तो अब वो जब अंदर गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये व्हाइट शुगर अंदर आप लेके गए, हालांकि ये कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसको हैंडल करने की बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरीके से आप फजी ड्रिंक्स आप लेके गए, जो नाम नहीं मैं लेता किसी ब्रांड का, मगर जितने भी फजी ड्रिंक्स आप लेके लेके चले गए, इसी तरीके से जो भी आपकी प्रिजर्व्ड फूड हैं और जो भी सिंथेटिक फूड हैं, जो भी फैक्ट्रियों में बने हुए बिस्किट्स हैं, जो भी चॉकलेट्स हैं, जो भी स्वीट्स हैं, जो भी कैंडीज हैं, इसके अलावा यू नेम इट, जो भी चीजें बहुत ज्यादा सिंथेटिक बनी हुई चीजें हैं, जो ही वो अंदर जाती हैं तो आप सिर्फ ये विजुलाइज करें कि आपके ड्राइंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे, एक अचानक अजनबी आपके ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, तो आप क्या करेंगे उसको? आपकी पहली कोशिश होगी कि किसी करीब तरीन दरवाजे में से उसको बाहर निकाल दें किसी तरीके से। तो हमारी बॉडी भी ये करती है, जब भी हम कोई गैर जरूरी चीज लेके जाते हैं बॉडी इमीडिएटली कोशिश करती है उसको करीब तरीन किसी ऑरिफिस में से बाहर निकाल दे, मसलन उल्टी के जरिए बाहर निकाल दे, मसलन डायरिया के जरिए बाहर निकाल दे, मसलन उसको प्रोसेस करके पेशाब के जरिए से बाहर निकाल दे, मसलन उसको किसी तरीके से प्रोसेस करके पसीने के जरिए से बाहर निकाल दे, या उसको बाइल के जरिए से निकाल के इंटेस्टाइन में निकाल के पकाने के रास्ते से बाहर निकाल दे। अगर बॉडी ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो फिर यह है कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारी बॉडी में नहीं होते। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि आपने प्री फॉर्म टॉक्सिन्स वाला को खाना गलत सा खा लिया हो, अभी आपने खाना खा के चार घंटे के बाद ना आपको उल्टियां शुरू हो जाती हैं, चार घंटे बाद डायरिया शुरू हो जाता है। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि भाई तुम्हारे बैठने के लिए कोई सोफा नहीं है, निकलो यहां से बाहर, राइट? और अगर बॉडी ऐसा ना कर सके, आने वाला को बहुत बड़ा बदमाश हो, हाथ में उसकी बंदूक पकड़ी हो, चाकू पकड़ा हो, और वो कहे मैं तो अभी अंदर आ गया हूं, अब तो मैं बाहर नहीं जाता, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको ड्राइंग रूम की बजाय किसी और कमरे में बंद कर दें ताकि वो अपने शर को ना फैला सके। तो बॉडी भी ऐसा करती है, ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक प्रोटीन, ऑर्गेनिक फैट, विटामिन, मिनरल, पानी, इसके अलावा जो भी आठवीं सातवीं चीज आती है बॉडी अगर उसको जिस्म से निकाल नहीं सकती तो इमीडिएटली डस्ट पैक करके और डस्टबिन में डाल देती है। और आप हैरान होंगे कि हमारी बॉडी का जो डस्टबिन है, वैसे मैं जरा ब्रॉडर टर्म के अंदर कह रहा हूं, जो हमारी बॉडी का डस्टबिन है वो फैट सेल्स है। हम में से जितने लोग बड़े बड़े पेट लेके फिर रहे हैं तो वो यही समझें कि अपने अपने हाथ में अपनी डस्टबिन उठाए फिर रहे हैं। आप देखें कितना मजा का खेज बात होगी कि एक आदमी घर से निकले तो उसने कपड़े, एक बैग लटकाया हो जिसमें उसके कपड़े हों, एक टिफिन कैरियर हो जिसमें उसके नाश्ता हो, और एक बड़ा सा टिफिन कैरियर उसने डस्टबिन साथ पकड़ी हुई हाथ के अंदर, जिसके अंदर शॉपर पड़े हो, कूड़ा पड़ा हुआ हो, गंद पड़ा हो, छिलके पड़े हुए हो, वो उसने उठाए और उठाए उठाए फिर रहा हो, राइट? तो ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि जो चीजें उसके काम की नहीं होती उसको पैक करके और स्टोर कर देती है, और उसके स्टोरों में से वन ऑफ द स्टोर सेल इज फैट सेल्स, खासतौर पर जो हमारे पेटों के ऊपर चर्बियां चढ़ी हुई हैं, ये सारे डस्टबिन है, राइट? अच्छा, अब वो जब उसके ऊपर वो, अब आप डस्टबिन के अंदर शॉपर को जितना मर्जी टाइटली टैक उसको बंद कर दें, कुछ अरसे के बाद उसके अंदर ताफुन शुरू हो जाएगा, कुछ अरसे बाद उसमें से बदबू शुरू हो जाएगी,
कुछ अरसे के बाद उसमें प्यूट्रीफेक्शन शुरू हो जाएगी, वो गलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर सड़ान आनी शुरू हो जाएगी। और जब बॉडी में इन पैक्ड चीजों के अंदर सड़ान आती है, उसके नतीजे में जो कुछ पैदा होता है उसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, और उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, और सबसे खतरनाक उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस, यानी वो पूरी बॉडी में सोजिश पैदा करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, और तीसरा यह कि अगर बहुत अरसे तक ये तआफुन मचा रहे तो वो कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। ओबेसिटी का कैंसर के साथ एक डायरेक्ट कोरिलेशन, मोटापे का कैंसर के साथ एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, मोटापे का इन्फ्लेमेशन के प्रोन होने के साथ एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, मोटापे का डिप्रेशन की फेज में रहने के साथ एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, स्ट्रेस में रहने के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। इनफैक्ट बहुत दफा जो एडिक्शन बहुत ज्यादा खाना खाने की होती है ना, बंदा रेजिस्ट ही नहीं कर सकता, यानी पेट भर गया, ले आओ रोटियां हो, जरा ले आ कड़ाई गोश्त ले आ एक हो, ये जो एक टेम्पटेशन होती है ना, इसके पीछे भी बाजू का कुछ साइकेट्रिस्ट का ख्याल है कि हिडन डिप्रेशन होती है जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए आदमी ओवर ईटिंग का एडिक्ट बन जाता है। क्योंकि ओवर ईटिंग की एडिक्शन के अंदर ना आदमी को लगता भी नहीं मैं एडिक्ट हूं, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं ना तो आपको लगता है मैं बुरा काम कर रहा हूं, कोई शराब पी रहा है तो उसको लगता है मैं बुरा काम कर रहा हूं, हेरोइन पी रहा है उसको लगता है बुरा काम कर रहा हूं, लेकिन जब वो ये वाला जहर खा रहा होता है तो उसको लग भी नहीं रहा होता, उसको गिल्ट भी नहीं हो रही होती कि मैं बुरा काम कर रहा हूं, तो इसलिए वो सारा तआफुन यहाँ पेट के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसके इकट्ठा होने की वजह से फिर बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन की फेज में ज्यादा चला जाता है, वो इन्फ्लेमेशन को ज्यादा प्रोन हो जाता है और उसको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लस उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होना शुरू हो जाती है, यानी उसके अंदर एनर्जी वो नहीं रहती, उसके अंदर काम करते हुए वो जल्दी थक जाता है। तो एक तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे जो अहम बात है वो है कि व्हाट वी ईट, इसको बहुत केयरफुली हमें सोचना चाहिए, व्हाट वी ईट। और मैं दोबारा दोहराता हूं, जो चीज आपकी डाइनिंग टेबल या दस्तरखान पर आई है आप अपने आप से जरूर सवाल पूछिए इसकी ऑर्गेनिक ओरिजिन है कि नहीं, इसकी ओरिजिन ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये प्लांट से बनी है या प्लांट में बनी है। अगर ये प्लांट से बनी हुई है, आपके नाश्ते की टेट के ऊपर उबला हुआ अंडा पड़ा हुआ है, आपके नाश्ते में खीरा पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, नट्स पड़े हुए हैं, और आपने फ्रेश मिल्क रखा हुआ है, बहुत जबरदस्त चॉइस है आपकी ब्रेकफास्ट की, राइट। और अगर आपके ब्रेकफास्ट के ऊपर वो तमाम चीजें पड़ी हुई हैं जो प्रिजर्व्ड फूड्स थी और जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स थे और जो कि आपने फ्रोजन फूड्स थी और जो कि फैक्ट्री में बनी हुई हैं, तो आपने बहुत बुरा नाश्ता किया है। इसी तरीके से दोपहर के खाने का, रात का, तो मैं इसमें ज्यादा तफसील में, क्योंकि मैंने बात थोड़ी अगले 5 मिनट में मुकम्मल करनी है, सबसे पहले तो हमें अपनी फूड की क्वालिटी पर हमेशा गौर करना चाहिए। दूसरी अहम बात है फूड की क्वांटिटी पर, हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाते हैं। देखें जानवर जो है उनके अंदर जो उनका स्टाइटी सेंटर है, जैसा थर्मोस्टेट होता है ना जी, कि जब टेम्परेचर एक खास हद तक आता है तो एसी बंद हो जाता है या हीटर बंद हो जाता है खास टेम्परेचर, इस तरह हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर है जिसे स्टाइटी सेंटर कहते हैं, वो हमें बता देता है कि पेट भर गया, बस अब भूख की जरूरत तो नहीं। जानवरों के अंदर वो सिस्टम इतना ज्यादा परफेक्ट है कि आप वो अपनी मुर्गन अपनी मर्जी का खाना खा रहे हैं, जो ही उनका स्टाइटी सेंटर स्टिमुलेट होता है, आप एक तिनका एक्स्ट्रा बकरी को नहीं खिला सकते, आप गाय या भैंस को एक दाना एक्स्ट्रा नहीं खिला सकते, क्योंकि उसका स्टाइटी सेंटर स्टिमुलेट है। लेकिन इंसान ने, चूंकि लस्ट, लस्ट का सेंटर भी इंसान के अंदर है, प्लेजर का सेंटर भी इंसान के अंदर मौजूद है, तो प्लेजर और लस्ट की वजह से वो अपने स्टाइटी सेंटर के स्टिमुलस को बिल्कुल फोरगो कर देता है, यानी मुझे पता लग गया कि मेरा पेट भर गया है, उठा नहीं जा रहा मुझसे, मगर मैं फिर भी खाई जा रहा हूं। तो हम में से हर शख्स ऑलमोस्ट, मैं सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि हम जो कुछ खा रहे हैं हम अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। लिहाजा क्वांटिटी को मद्देनजर रखना जरूरी है और क्वालिटी को मद्देनजर, यानी क्वालिटी को मद्देनजर रखना और क्वांटिटी को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। एक एडल्ट का खाना जो है, दो वक्त का खाना इज गुड एनफ फॉर अ पर्सन। मैंने एक दफा एक बहुत बड़े बुजुर्ग से बयान सुना, तो उन्होंने कहा जन्नत में भी दो दफा खाना दिया जाएगा, तो शायद मशहित इजदी भी ऐसे ही है कि दो दफा सर्व होगा वहां। वैसे तो वह जन्नत में जो भी ख्वाहिश होगी पूरी हो जाएगी, लेकिन वहां भी जो है ना, यानी ब्रेकफास्ट और डिनर ही होगा। तो इस और ये इंसानी मिजाज के साथ मैच भी करता है कि दो दफा, तो हम ये जो तीन खाने खाते हैं ना, ये भी एक्चुअली वो ओवर ईटिंग के जुमर में आता है। दो बातें, तीसरा खाने के औकात जो हैं, इनके बारे में भी हमें बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए। मैं बहुत तफसील में तो नहीं जाता, मगर ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि जब हमारा सोने का टाइम है,
सोने के टाइम से कम 3 घंटे पहले हमने खाना खाया। जो डिनर का टाइम है वो एक्चुअली मगरिब की नमाज के बाद है, और फर्ज करें 8 बजे डिनर करते हैं तो आप आराम से 10 बजे 10:30 बजे सो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पार्टी में बैठ के खाना ही 11 बजे शुरू करते हैं और जो कि 12 बजे तक जारी रहता है और आपके 12:30 बजे सो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने खाने की वजह से अपनी स्लीप को भी प्रॉब्लम कर दिया, क्योंकि हमारी जिंदगी में फूड के बाद जो दूसरी अहम चीज है वो स्लीप है, और स्लीप को स्पॉइल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप फुल स्टमक के साथ सोएं। वन शुड नॉट बी हंग्री व्हेन ही इज अस्लीप, बट वन शुड बी एम्प्टी स्टमक, एंड इट टेक्स अबाउट 2.5 आवर्स फॉर एनी फूड विच यू पुट इन योर स्टमक टू गेट आउट ऑफ द स्टमक। तो खाने की टाइमिंग के अंदर वैसे तो पूरी तफसील है, लेकिन मुख्तसर यह है कि सोने से कम 2.5 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए, ताकि जब हम सोएं तो हम हंग्री ना हो मगर एम्प्टी स्टमक हो। तो एक एस्पेक्ट हो गया फूड, दूसरा एस्पेक्ट है हमारी स्लीप। प्लीज आप स्लीप, मैं बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमें अपनी स्लीप को कभी भी पैसिव फिनोमेना नहीं समझना चाहिए। हमारी स्लीप एक एक्टिव फिनोमेना है। सारा दिन जो हमने इंटेलिजेंट एक्टिविटी की होती है, जैसे सारा दिन आपने दफ्तर में फाइलें इकट्ठी की होती हैं, स्लीप के दौरान वो फाइलें हमारे दिमाग में ऑर्गेनाइज होती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को जब हम इम्तिहान की तैयारी के लिए पढ़ाते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। उस 8 घंटे में जो आपने पिछले 2 साल में पढ़ा था वो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज होंगी और एट द टाइम ऑफ नीड आप उसको रिट्रीव कर सकेंगे। तो स्लीप एक एक्टिव फिनोमेना है। हम सब की अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो मेहरबानी करके इस पर गौर करना चाहिए। वो उसके ऊपर एक पूरी वर्कशॉप है जो करवाई जा सकती है। मुख्तसर यह है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, और वो सारे डिस्ट्रैक्टर्स जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरीके से डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल और बर्तन होने चाहिए, स्लीपिंग रूम के अंदर सिर्फ स्लीपिंग का इक्विपमेंट होना चाहिए। स्लीपिंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर टीवी नहीं होना चाहिए, बेडरूम के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए, बेडरूम के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, बेडरूम के अंदर बस बेड होना चाहिए और सोना चाहिए। और खास तौर पर ये जो एक चीज है जिसको हमारे दोस्त सलमान साहब कहते हैं जिगर का टुकड़ा, जिसका दूसरा नाम मोबाइल है। मेरी छोटी बहन है, वो इंग्लैंड में रहती है, वो कहती है भाईजान मोबाइल गवाच जावे तो यहां लगता है जी मैं छोटा काका गवाच गया। तो इसको जो है ना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है स्लीप का। तो बेडरूम में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसका चार्जर जो है ना वो आपके लिविंग रूम के अंदर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन द बेडरूम। तो ये है स्लीप। और आखिरी बात जो है वो है हमारी एक्सरसाइज। आपकी जो भी एज है, एक तो ना मैं जाता हूं यूनिवर्सिटी चलता फिरता हूं, मेरी बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, ये नहीं, फॉर्मल एक्सरसाइज कम अज कम, मेरी एज अब 60 है तकरीबन, मेरे लिए मिनिमम 40 मिनट्स की फॉर्मल एक्सरसाइज बहुत जरूरी। आप में से जो यंग हैं उनको हो सकता है इससे ज्यादा जरूरत हो। फॉर्मल एक्सरसाइज रोजाना बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से हम अपनी फिजिकैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस मुख्तसर से वक्त में ये मेरी गुजारिशात थी। मैंने जैसे डॉक्टर अदनान साहब से कहा था कि चूंकि एक्चुअली मेरा ये टाइम है, मरीजों का काफी रश लगा हुआ है, तो कोई अगर थोड़े से सवाल हो तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। मेरा हकीकत हमारे नीत साहब ने आपको पहले ही ब्रीफ किया कि हमारे सेशन में बहुत सारे लोग प्रोवाइड ट्रांसफर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, डॉक्टर फहीम साहब भी हमारे साथ है, ट्रेनिंग ऑलरेडी फैकल्टी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो रही है। सर आपकी जो हमने सुन रखा है कि जो बंदा बात पे दिल से अमल करता है उसकी बात कहीं पे दिल पे असर करती है, तो आपकी बातें लोगों के दिलों में बहुत असर करती हैं। तो फैकल्टी मोस्टली आपकी इस टाइम सुन रही है आपको, 400+ लोग सुन रहे हैं लाइव यहाँ पे फिजिकली और ऑनलाइन तो बहुत सारे हैं। आपका टेक अवे मैसेज एज फॉर ए टीचर ग्रूमिंग, आप क्या कहते हैं टेक होम अवे मैसेज टीचर्स के लिए, लीडर्स जो देखिए सर आपके, आई एम श्योर कि आपके घर में कुछ आपकी बेगम साहबा या जो भी घर की खवातीन हैं वो मेहमान आते होंगे तो कोई केक वगैरह कभी कभी बनाती होंगी केक। अच्छा जब आप केक बनाते हैं ना तो उसको बड़ा फैंसी बनाने के लिए उसकी डिफरेंट शक्लें होती है ना, कोई फूल की शक्ल का, कोई हार्ट की शक्ल का, कोई किसी शक्ल का होता है ना केक। अगर आप चाहते हैं कि केक एग्जैक्टली हार्ट की शक्ल का हो तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो उसका सांचा है ना मोल्ड वो हार्ट की शक्ल का हो। अगर वो सांचा हार्ट की शक्ल का नहीं होगा तो केक हार्ट की शक्ल का नहीं बनेगा। हमारी जो अगली नस्ल है उसका सांचा पेरेंट्स और टीचर है। अगर टीचर वो नहीं होगा जो कि अगली नस्ल को वो बनाना चाहता है तो अगली नस्ल वो कभी भी नहीं बनेगी।
our students and our children, they don't do what we ask them to do. They do what we do. अगर आप चाहते हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट वो बहुत बा इखलाक बने, लेकिन हम उसी तरीके से रूट तरीके से बात करते रहे, तो माफ करना, वो कभी भी ऐसे नहीं बनेंगे। और अगली नस्ल आने वाली नस्ल से दो कदम आगे होगी। अच्छा, इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके अंदर फॉरगिवनेस आ जाए, लेकिन हम किसी को माफ करने को तैयार ना हो। हम चाहते हैं हमारी हर बंदा मेरी इज्जत करे, मगर हम किसी की इज्जत करने को तैयार ना हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे पास एक फैमिली आई, उन्होंने कहा कि सर ऐसे, मैं कोई फॉर्मल काउंसलिंग तो नहीं करता, मगर वो वीडियो देख देख के वो आ गए। उन्होंने कहा जी हमारे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे सारा दिन आपस में लड़ते रहते हैं, बड़ा बहन भाई को मारता है, भाई बड़े बहन को मारती है, हम बहुत तंग हैं, हमें बताएं कि हमारे बच्चे आपस में लड़ते क्यों हैं। अच्छा, मैंने ऐसे उनसे पूछा, मैंने कहा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो भाई साहब, यानी वो जो बाप थे, आपके कितने भाई हैं? उन्होंने कहा 4 भाई हैं। मैंने कहा आप क्या अपने भाइयों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और आपकी बेगम के अपने देवरों और जेठों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? पता लगा कि वो तो एक दूसरे के घर ही नहीं जाते। और बड़े भाई और इस साहब के दरमियान अदालत में मुकदमा चल रहा है वालिद साहब के फौत होने के बाद एक 5 मरले के मकान की तकसीम का। और दूसरा मैंने ये कहा कि जो इन बच्चों के मामू हैं और इनकी जो खालाएं हैं, तो इनकी जो वालदा है, इनका अपनी बहनों और उनके साथ क्या ताल्लुक है? पता है उनके घर भी लड़ाइयां हो रही हैं। मैंने कहा सर ये देखे ना, आप तो अपने बहन भाइयों से लड़ी जा रहे हैं, आपका तो जदाद का मुकदमा चल रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि गुड़िया के ऊपर बड़ी बहन छोटी बहन से लड़े ना, ये कैसे मुमकिन? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी और आपके जिम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रोल मॉडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर और पेरेंट को ऐसा होना चाहिए कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। और टीचर वो कैसे बन सकता है? वो भाई रिफ्लेक्टिव ऑर्डर बन सकता है। रोज हमें आधा घंटा बैठ के देखना चाहिए, आज सारा दिन में मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो रॉन्ग रोल मॉडलिंग क्रिएट कर रही है। मैं और आप जिस तरीके के होंगे, हमारे बच्चों में उस तरह का रिफ्लेक्शन नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मेरा जो एक रिक्वेस्ट है वो यही है कि अपने किरदार की तश्कील का मतलब अपने बच्चों की किरदार की तश्कील करना है। सर बहुत शुक्रिया सर, मैं अब एंड पे गुजारिश करूंगा लीडर ऑफ द हाउस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान साहब से वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, रियली वी इंप्रेस्ड, ऑलरेडी भी हम इंप्रेस्ड हैं, और ये जो आपकी इंफॉर्मेशन थी कि एक सस्टेनेबल लाइफ गुजारी जाए फूड से, स्लीप से, अपने एक्शन से, मेरा ख्याल टीचर्स को भी अगर अगली नस्ल को बेहतर करना है तो हमें अपने आप पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर हम अच्छी सेहतमंद लाइफ और रोल मॉडल के तौर पे आएंगे तो अगली नस्ल बेहतर हो सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि हम आपको फिजिकली यहाँ देखना चाहेंगे, और अपने टीचर्स की, एडमिन स्टाफ की ट्रेनिंग, और ये यूं ही थोड़ा सा आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, कोरोना वाली सूरत हाल बहरहाल कंट्रोल है, अल्लाह करे ऐसा रहे। सर थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा कि मार्वलस, और आपकी ये इनपुट मैं समझूंगा कि ये अगली नेशन के लिए, ये डेफिनेटली आई एम श्योर कि आज के लेक्चर के बाद एक आपको इनका ग्राफ आएगा, इनकी पीक जो है वो बेहतर होगी एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इनकी पर्सनल लाइफ, अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, और मेरी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें ताकि इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि टीचर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक सीखना है। तो हर हम टीचर्स को भी कहते हैं कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, तो अगर इनको रोल मॉडल हम बना देंगे तो अगली आने वाली नस्ल जो है, नस्ल नहीं बल्कि नस्लें रोल मॉडल के तौर पे, जो आपने स्टार्ट में एग्जांपल दी, रियली वेरी गुड, कि इंडस्ट्री तबाह हो जाए कोई मसला नहीं है किसी मजदूर का, लेबर का, मार्केट का, लेकिन जब ये टीचिंग कम्युनिटी, और ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ कि हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ये जिस तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल ये कौम उसमें से गुजर रही है। मैं मेरे अपने बच्चे भी इनके ही में पढ़ती है, वहाँ भी टीचर्स का, और यहाँ हमारे यहाँ भी, और बल्कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा बुरा सूरत हाल है। और हम चाहेंगे कि मैं और आप मिलके जितनी अपनी कंट्रीब्यूशन है इनको सुधारें ताकि आने वाली नस्ल सुधर सके। सर थैंक यू वेरी मच, और आपकी इनपुट का अल्लाह ताला आपको और हमको जज़ा देगा।
थैंक यू बहुत थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स और बहुत शुक्रिया अपने इदारे के बिहाफ पे मैं आपका सर करता हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब और इंशाल्लाह आपको फिजिकली भी यहाँ देखना चाहेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. जज़ाकअल्लाह. सलामत रहें. थैंक यू. थैंक यू जी.